बाल चौपाल बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं रंजना। आज मैं आपको सुनाऊंगी युगोस्लेविया की एक लोक कथा जिसका नाम है बुड्ढा घोड़ा और शेर। इस कहानी का अनुवाद किया है शाकंभरी ने, जिसे हमने लिया है बाल पत्रिका कुंपल से। तो सुनिए ये कहानी। एक आदमी के पास एक बूढ़ा घोड़ा था। उसके लिए अब हल जोतना और खींचना कठिन हो रहा था, जिससे उसका मालिक घोड़े को लेकर बहुत परेशान रहता था। उसे मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए आदमी ने सोचा, क्यों ना उसे किसी खुली जगह में छोड़ दिया जाए। इस तरह विचार कर वह घोड़े के पैर में लोहे की नाल ठुकवा कर उसे नदी के पास वाले चरागाह में छोड़ आया। घोड़ा खुली हवा में धीरे धीरे चलता फिरता और हरी हरी घास खाता। एक सप्ताह में ही वह स्वस्थ होने लगा और धीरे धीरे उसका वजन भी बढ़ने लगा। अब वह उछलता कूदता भी था। एक दिन उधर एक शेर आ निकला। उसने घोड़े को देखा और चकित रह गया। ये कौन सा जानवर है, ऐसा उसने सोचा। फिर उसने घोड़े से पूछा, तुम कौन हो? तो घोड़े ने बोला, घोड़ा, और तुम कौन हो? मैं एक शेर हूँ, सभी जानवरों का राजा। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, ऐसा शेर ने बोला। घोड़े ने कहा, मुझे खाओगे? हाँ, तुम्हें ताकत की जरूरत है। शेर ने गुस्से में अपनी पूंछ फटकाकर दहाड़ा, मैं यहाँ का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। घोड़ा हंसने लगा, हा हा हा, हम भी देखें कि हम में से कौन ज्यादा ताकतवर है। चलो अपनी अपनी ताकत को आजमा कर देख लेते हैं। फिर शेर ने पूछा, पर हम इसे आजमाएंगे कैसे? घोड़े ने बोला, क्या तुम इस बड़े पत्थर को देख रहे हो? शेर ने बोला, हाँ मैं देख रहा हूँ। तो घोड़े ने बोला, फिर ठीक है, अब जो इस पत्थर से चिंगारी निकालेगा वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। शेर ने अपनी सहमति जताई, ठीक है ऐसा ही होगा। शेर अपने पंजों से पत्थर पर प्रहार करने लगा। वह प्रहार करता ही रहा पर चिंगारी नहीं निकली। और तब गुस्से में आकर उसने पत्थर पर इतनी जोर से पंजा मारा कि उसके नाखून उखड़ गए। चिंगारी फिर भी नहीं निकली। घोड़ा जोर जोर से हंसने लगा, हा हा हा, और बोला, तुम कमजोर और बूढ़े हो गए हो, फिर भी तुम अपने को राजा समझते हो। अब देखो मैं कैसे इससे चिंगारी निकालता हूँ। घोड़ा पत्थर के पास आया और उसने अपने मजबूत लोहे के जूते पत्थर पर पटके। चिंगारियां निकल पड़ी और चारों ओर छिपकने लगी। शेर ने अपने मन में सोचा कि इसके साथ कोई मजाक नहीं चल सकता और बोला, ठीक है। वह कुछ कहे बिना चुपचाप जंगल की ओर भाग चला। रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिली और उसने बोला, नमस्ते महाराज, आज आप कहां से घूम कर आ रहे हैं? लोमड़ी ने इतना आदर दिया और पूछा, और वहां आपने क्या देखा और क्या सुना? तो शेर ने जवाब दिया, मैं नदी के पास वाले हरे चारागाह पर घूमने गया था। वहां मुझे एक ताकतवर जानवर मिला। लोमड़ी ने पूछा, कौन था वह? तो इस पर शेर ने बोला, घोड़ा। लोमड़ी ने कहा, इस जानवर को मैंने सिर्फ देखा ही नहीं, कई बार हमने इससे अपना पेट भी भरा है। तो शेर ने बोला, यह सच ही नहीं हो सकता, यह बिल्कुल नामुमकिन है। फिर तो आज आप मेरे साथ चलिए, आप स्वयं देखिएगा कि मैं उसे किस तरह पूरा का पूरा खा जाऊंगी। शेर और लोमड़ी साथ साथ चारागाह तक गए। अच्छा, तो घोड़ा वहां है,
उस झाड़ियों के पीछे टहल रहा है। मैं यहाँ से उसे देख नहीं पा रही हूँ, लोमड़ी बोली। शेर ने लोमड़ी को अपने पंजों में दबाया और उसे गर्दन से उठाकर अपने सिर पर बैठा लिया। अब तुम उसे देख सकती हो, शेर ने कहा। पर कोई उत्तर न पाने पर शेर ने उसकी तरफ देखा। उसकी सांस नहीं चल रही थी। जानवरों के राजा शेर के पंजे की पकड़ में उसका दम घुट गया था और उसी क्षण उसकी मौत हो गई थी। शेर ने लोमड़ी को जमीन पर उतारा और बोला, अब तुम नहीं समझ सकती, हालांकि तुम उसे सिर्फ देखने भर से इतना डर गई। अब अगर उसने हम दोनों को यहाँ देख लिया तो वह हम दोनों को ही खा जाएगा। शेर घोड़े से इतना डरा हुआ था कि वह उस जगह से बहुत दूर भाग गया और दोबारा कभी उधर फटका भी नहीं। तो बच्चों, ये थी कहानी बुड्ढा घोड़ा और शेर। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल और इस कहानी को हमने लिया था बाल पत्रिका कोंपल से। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट sahkarradio.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी रंजना को। बाय बच्चों। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियां।